हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वाईफाई की सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको सिम मैनेजमेंट सेटिंग्स के बारे में बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, बट आज मैं आपको वाईफाई की सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वाईफाई ऑन है। अभी मैं वाईफाई में जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं वाईफाई यहाँ पे कनेक्टेड है, डीलिंक का राउटर है और जो इंटरनेट है वो MTNL का है। उससे ये कनेक्टेड है और अभी ये मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ वाईफाई। और जैसे कि आप देख सकते हैं और भी यहाँ पे वाईफाई दिखाता है। अगर आपको जब भी अदर वाईफाई के रिजल्ट्स देखने हों तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो। स्कैन आफ्टर स्कैन आपको वो सभी रिजल्ट्स दिखाएगा। जो रेंज में होगा वो कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड हो जाएगा। अगर वो उसका अगर उसकी सिक्योरिटी ओपन होगी तो, सिक्योरिटी ओपन होने का मतलब अगर उसने पासवर्ड डाल करके उसको ओपन किया होगा तो ही आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर उसकी सिक्योरिटी ओपन होगी तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो। कुछ लोग सिक्योरिटी ओपन इनडायरेक्टली रखते हैं बिकॉज़ जो हैकर्स होते हैं वो हैकिंग करने के पर्पज़ से अपनी सिक्योरिटी को ओपन रखते हैं। जैसे कि आपके फ़ोन का कुछ भी वो डाटा हैक कर सकते हैं, इसलिए जब भी आप अदर नेटवर्क से कनेक्ट करें तो उससे पहले आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, तब उसमें कनेक्ट कीजिएगा और उसको यूज़ कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे डीलिंक का वाईफाई कनेक्टेड है और अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और अभी आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे दिखाएगा फॉरगेट नेटवर्क और मॉडिफाई नेटवर्क। जैसे कि भी आपने देखा था, जैसे इस पे क्लिक करने के बाद अभी इसने दिखाया था कि फॉरगेट नेटवर्क और मॉडिफाई नेटवर्क। फॉरगेट नेटवर्क में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड जो पहले वाला होगा, जिससे आपने कनेक्ट किया होगा, वो हट जाएगा और फिर आप दोबारा उसमें पासवर्ड डाल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और मॉडिफाई में आप उसमें मॉडिफाई करेंगे अदर पासवर्ड डाल के, अगर जब पासवर्ड जब भी चेंज होगा या आप चेंज करेंगे तब आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड नेटवर्क लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें जाने के बाद अगर आपको आप यहाँ से मैन्युअली नेटवर्क सेट कर सकते हैं। आप इसमें SSID डालेंगे। SSID का मतलब जो वाईफाई का नेम होगा, जैसे कि मैंने अपने वाईफाई का नेम डी लिंक रखा हुआ है तो डी लिंक यहाँ पे मैं डालूँगा और यहाँ पे उसका पासवर्ड डालूँगा सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी नन है और इसमें फिर मैं पासवर्ड डालूँगा और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दूँगा, यहाँ से सेव कर दूँगा और वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें एडवांस सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एडवांस सेटिंग में जाएंगे। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नेटवर्क नोटिफिकेशन। आप यहाँ से इसको चेक करके रखेंगे। इसमें ये बताएगा कि नोटिफाई मी व्हेन एन ओपन नेटवर्क इज़ अवेलेबल। जब नेटवर्क ओपन रहेगा, जब अदर नेटवर्क ओपन रहेगा तो आपको ये बता देगा कि अदर नेटवर्क ओपन है और आप उससे कनेक्ट कीजिए। अगर उसने सिक्योरिटी ओपन रख रखी होगी तो आप उसे कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीप वाईफाई ऑन ड्यूरिंग स्लीप। जब आप नेटवर्क से कनेक्ट कर लेंगे, अदर नेटवर्क वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे और इंटरनेट यूज़ करेंगे, जब भी आप कोई चीज़ डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं और अपना फ़ोन ऐसे छोड़ देते हैं तो आपका फ़ोन स्लिप हो जाता है, मतलब कि उसकी लाइट ऑफ हो जाती है। तो उस पीरियड में आपका जो वाईफाई है वो ऑफ हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ये ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलवेज़ ऑलवेज़ सेलेक्ट किया हुआ है कि वाईफाई ऑन ड्यूरिंग स्लीप, मतलब कि जब वाईफाई की लाइट जब ऑफ होगी तो वाईफाई कीप रहेगा, वो ऑन रहेगा, मतलब कि वो कनेक्ट रहेगा। और ओनली व्हेन प्लग इन, यहाँ पे आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। और ये भी नेवर इंक्रीजेस डाटा यूजेस, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप प्लग करोगे तब उसके लिए आप ये सिलेक्ट करोगे, और ऑलवेज़ के लिए आप हमेशा ऑलवेज़ ही सिलेक्ट रखना बिकॉज़ मोस्टली लोग यही इसी को सिलेक्ट रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी वाईफाई की सेटिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया। आगे और भी बहुत कुछ मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। आगे इन फ्यूचर मैं आपको सारी सेटिंग्स के बारे में इसकी जानकारी दूंगा।
ओके फ्रेंड्स, तो ये सब थी वाईफाई की सेटिंग्स। आगे और भी कुछ मैं आपको और भी बहुत कुछ मैं आपको बताता रहूँगा। और अब आप अपनी सोशल नेटवर्क साइट पे इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।